दोस्तों निक्सोन को किसी पहचान की जरूरत नहीं है, देश की एकमात्र ऐसी गाड़ी है जो 5 स्टार है। जी हाँ, यानी कि इसको मिले हैं सिक्योरिटी फीचर्स में, यानी कि अगर हम सेफ्टी की बात करें तो ये देश की अकेली एकमात्र मेड इन इंडिया ऐसी गाड़ी है, रतन टाटा जी की गाड़ी, यानी कि ये अकेली ऐसी गाड़ी है जो कि 5 स्टार रेटिंग लेकर आई थी क्रैश टेस्ट के अंदर। और अपने आप में इस गाड़ी का बहुत नाम है, बहुत ज़्यादा यूनिट्स बिकी हैं, टाटा को इसने अचानक से बहुत बूस्टअप किया है सेल्स के मामले में। तो दोस्तों आज मैं आपको दिखाऊंगा ये पूरी गाड़ी अंदर से बाहर से पूरी तरीके से, कि आप देख सकते हैं कि गाड़ी के अंदर आपको क्या क्या मिलता है और गाड़ी कुछ किस तरह की दिखती है। आइए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए YouTube टेक्नो को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों ये है देश की सबसे पहली 5 स्टार गाड़ी टाटा निक्सोन। दो इंजन ऑप्शंस के साथ में आपको मिल जाएगी। 1.2 लीटर का इसमें पेट्रोल इंजन मिलेगा और साथ में आपको 1.5 लीटर का इसमें डीजल इंजन भी मिल जाता है। दोस्तों रही बात इसके टायर्स की, तो टायर्स मिलते हैं इसमें 16 इंचेस के अलॉय व्हील्स, काफ़ी खूबसूरत कट के साथ आपको मिलेंगे। टाटा का लोगो मिलेगा साथ में आपको अलॉय व्हील्स के ऊपर, जो बहुत बेहतरीन डिफरेंट लुक ड्यूल कलर्स के साथ में आपको मिल जाएंगे। दोस्तों साथ में मिलते हैं आपको उसके फॉग लैंप्स, इंडिकेटर्स, LED लाइट्स मिल जाएंगी। आगे का क्रोम बिल्कुल चेंज करके दिया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है टाटा का लोगो के साथ में, काफ़ी साफ्टन इसको बनाया गया है, तो आई रियली लाइक दिस आगे का फ्रंट ग्रिल। और दोस्तों इतने कम प्राइस में आपको फिर इससे बेहतर गाड़ी तो दोस्तों वैसे भी नहीं मिलने वाली, ये तो पहले से ही जग जाहिर है, क्योंकि अपने आप में ही बहुत बड़ा नाम ये गाड़ी कमा चुकी है। तो चलते हैं दोस्तों एक बार गाड़ी के अंदर, एक बार मैं आपको गाड़ी अंदर से दिखा देता हूँ। ये गाड़ी देखिए, देखिए सबसे बड़ी बात है इसकी आप शेड देखिए, बहुत ही स्मूथ और बहुत ही अच्छे से बनाई गई है। और इसका जो पावर विंडो है थोड़ा सा अच्छे में, यानी कि आप बैठकर हाथ रखकर बहुत अच्छे से इसको यूज़ कर सकते हैं। क्रोम का हैंडल है और साथ में इसके ग्लास, यानी कि साइड मिरर को एडजस्ट करने की बहुत अच्छी लोकेशन है, आप बहुत अच्छे तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों बैठते हैं अंदर, आपको दिखाता हूँ इसका अंदर से। आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को आप देख सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको RPM मीटर मिलता है दोस्तों, साथ में आपको बीच में जो स्पेस आप देख रहे हैं बीच में, ये आपका डिस्प्ले है जिसके अंदर आप किलोमीटर्स देख सकते हैं, कितना एवरेज दे रही है गाड़ी ये देख सकते हैं। साथ में दोस्तों इसके अंदर मिलता है आपको बड़ा टच स्क्रीन, एंड्रॉयड ऑटो वगैरह सब चीज़ों के साथ। ये आपके AC के सारे आप यहाँ से कर सकते हैं। गियर शिफ्टिंग होता है, मैंने इसके सारे गियर्स को देखा है, बिल्कुल वाकई बहुत स्मूथ शिफ्टिंग है, आप बहुत ही हल्के से इसको चेंज करके शिफ्ट कर सकते हैं गियर से। दोस्तों AC वेंट और सारा कंट्रोल जो है वो नीचे से है, ये वॉल्यूम का बटन, यहाँ से आपका AC कंट्रोल हो जाएगा पूरा का पूरा, आप इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये आपका बॉक्स हो गया, आप कुछ भी सामान रख सकते हैं इसके अंदर, जो छोटे मोटे सामान होते हैं आपको इस बटन से इसको दबाकर आप देखिए ये ओपन हो जाता है और इसको यहाँ से बंद कर सकते हैं इसी से। तो दोस्तों इसके अंदर जो ग्लास है, बैक मिरर है, वो मैनुअल है, ऑटो नहीं है, ऑटोमेटिक नहीं है, वो आपको मैनुअल ही मिलेगा। दोस्तों ये है इसका वॉल्यूम का बटन, आप देख सकते हैं इधर आप जो वॉइस कमांड है इस बटन दबाकर दे सकते हैं, उधर से आपका प्लस माइनस जो भी आप आवाज़ को करना चाहे कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ लाइट्स हैं इसकी, आप लाइट्स देख लीजिए, यहाँ से आप लाइट ऑन ऑफ़ कर सकते हैं। बिसाइड ये छोटा सा सामान रखने के लिए आपका कुछ है कि आप कुछ रखना चाहें डॉक्यूमेंट, ये माइक हो गया आपका, और साथ में आपका जो है विंडशील्ड इस पर भी ग्लास दिया गया है, जिससे कि आप इसको वैनिटी ग्लास बोलते हैं बेसिकली, ये भी दिया गया है। पीछे से देख लीजिए, मैं आपको गाड़ी को पीछे से दिखा देता हूँ एक बार। दोस्तों पीछे आ चुके हैं आप, देखिए पीछे भी AC वेंट है और साथ में आगे की तरफ से मैं मिस कर गया था, ये भी देख लीजिए, ये बॉक्स है, आप यहाँ पर भी अपना हाथ वगैरह रख के या फिर अंदर के अंदर इसमें कुछ भी सामान रख सकते हैं। तो दोस्तों ये पीछे की तरफ AC वेंट दिया गया है, काफ़ी जब 4 लोग बैठ जाते हैं तो होट हो जाता है इस चक्कर में। साथ में आपको यहाँ पर ग्लास होल्डर मिलेगा आर्मरेस्ट में, पीछे की तरफ भी आर्मरेस्ट दिया गया है, तो ये बहुत अच्छी बात है इस गाड़ी के अंदर कि आपको आर्मरेस्ट पीछे की तरफ भी दिया गया है दोस्तों। तो दोस्तों एक बार इसको आगे से दिखा देता हूँ, यहीं से बैठकर देखिए। अब इसका डैशबोर्ड देखिए आप, डैशबोर्ड के अंदर बहुत प्रीमियम लुक है गाड़ी का, और यही डैशबोर्ड इसको बहुत खास बना देता है दूसरी गाड़ियों के मुकाबले, इसको बिल्कुल ही प्रीमियम लुक दे देता है, जो कि अपने आप में इसकी सेल का सबसे बड़ा कारण है। तो दोस्तों आपको दिखाई गाड़ी कैसी दिखती है, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ। अगर आप एक कम बजट की एक अच्छी गाड़ी SUV लुक में चाहते हैं तो आप टाटा निक्सोन पर जा सकते हैं।